हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरनेट से स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1024 दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग दो अंकों को ले जाएंगे, 10 को। तो यहाँ एक ऐसी संख्या लेंगे जिसको गुणा करने के बाद यहाँ 10 आए या 10 से छोटा आए। 10 से ज़्यादा छोटा नहीं आना चाहिए, 10 से थोड़ा सा छोटा, इसके आसपास ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम 2 से ले जाएंगे तो 2 से 2 दूना 4, यानी 10 से ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम लोग 3 से ले जाएंगे, कितना से? 3 से। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग 3 से ले जाएंगे तो यहाँ 3 और फिर यहाँ भी 3। तो फ्रेंड्स, जब ये 3 से ले जाएंगे तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ के कहाँ लिखा जाता है? तो जोड़ के यहाँ, 3 3 6। अब फ्रेंड्स, यहाँ से घटाएंगे तो 10 में से 9 किया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब क्या होगा? ऊपर से उतारेंगे, ये 12 हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कोई भी संख्या हम लेते हैं 1 2, तो ये 1 लेंगे तो 61 होगा, 2 लेंगे तो 62 हो जाएगा। तो ये 12 कटेगा नहीं, तो हम लोग 4 को भी यहाँ पे उतारेंगे। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या हम रखें? 1 अगर रख रहे हैं तो यहाँ नीचे भी 1 रखेंगे, 1 में 1 से करेंगे तो क्या हमारा 4 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ 2 रख रहे हैं, फिर इसी 2 से गुना भी करेंगे तो 2 2 4, यानी इकाई का अंक 4 आ जा रहा है। तो हम लोग 2 से ले जाएंगे, तो 2 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 2 6 12, यानी कि ये फ्रेंड्स क्या होगा? कट जाएगा, टोटल का टोटल कट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1024 का वर्गमूल कितना होता है? तो 32 होता है। फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसको गुणनखंड विधि से एक बार देखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कितना है ये, 1024, 1024 है। तो फ्रेंड्स, जब इसको 2 से ले जाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 से, 2 से 10 5 बार में, 2 से 2 1 बार में, 2 से 4 2 बार में। अब यहाँ फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 2 4, यहाँ से 1 और 1 11, यानी कि 2 5 10, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 12। तो 2 से जब 12 को कटाया जाएगा तो 6 बार में कटेगा। फिर इसको जब हम 2 से ले जाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 2 1 2, 2 2 4, यहाँ से 1 और 1 6, कितना हो जाएगा? 16। तो 2 से 16 कितना बार में कटेगा? तो 8 बार में। फिर हम इसको 2 से ले जाएंगे, क्योंकि 2 से 12 कटेगा 6 बार में और 2 से 8 कटेगा 4। फिर हम इसको 2 से ही कटाएंगे, क्योंकि 2 से 1 कटेगा, जब तक कटेगा तब तक कटाते जाएंगे। तो 2 से कटाएंगे तो 2 से 6 3 बार में और 2 से 4 2 बार में। फिर जब इसको हम 2 से कटाएंगे तो ये कितना बार में? 16 बार में कटेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर हम 2 से कटाएंगे तो ये कितना बार में? 8 बार में। फिर 2 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में? 4 बार में। फिर 2 से कटाएंगे इसको तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। फिर इसको 2 से 1 बार में। अब फ्रेंड्स, इसको गिनेंगे कि कितना, अगर ये पेयर में होगा यानी जोड़े में होगा तो जितना, अगर 10 होगा 10, तो उसमें से 5 को लिखकर गुना करेंगे। अगर ये 8 होगा तो 8 में से हम 4 को ही लेकर गुना करेंगे, क्योंकि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। इसमें 2 पेयर में से 1 को निकालेंगे, 2 जोड़े में से कितना? 1 बाहर निकलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बार है। तो इसमें से कितना बार बाहर निकलेगा? 5 बार। एक बार हम लोग यहाँ 1024 बराबर 2 × 2 × 2 ×, जितना बार है उतना बार लिख लेंगे, 10 बार है 10 बार लिख लेंगे।
दस बार जब लिख लेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें से क्या करेंगे हम, पांच बार बाहर निकालेंगे। यहाँ से एक दो तीन चार पांच पेयर बना, यानी कि इसमें से पांच बार हम दो को बाहर निकालेंगे। तो एक दो तीन चार और ये पांच। अब फ्रेंड्स इनको गुना करेंगे, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूना बत्तीस। यानी कि फ्रेंड्स इस मेथड से भी हम लोग बनाए तो बत्तीस आया, और इस मेथड से भी बनाए तो बत्तीस आया। यानी कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1024 का वर्गमूल कितना होगा, तो बत्तीस होगा। फ्रेंड्स आप जो भी मेथड से बनाना चाहते हैं उससे बना सकते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।